बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। उसमें हमने लीनियर इनक्वालिटीज़ पढ़नी है और लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद सबसे पहले तो आप देखें इनक्वालिटी क्या है। नाइन्थ में भी आप लोग पढ़ चुके हो तो एन अल जबरिक सेंटेंस इन विच टू अलजबरिक एक्सप्रेशंस आर जॉइंड together with inequality symbols greater or equal is called an inequality. अब इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी, सेकंड वन इज नॉन स्ट्रिक्ट और या फिर वीक इनइक्वालिटी। जिन इक्वालिटीज में ये सिंबल होंगे ग्रेटर और या फिर लेस, बस उनको हम कहेंगे स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज। और जिसमें होंगी ये वाली सिंबल्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू या फिर लेस देन आर इक्वल टू, उन्हें हम कहते हैं नॉन स्ट्रिक्ट या वीक इनइक्वालिटीज। सो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज हैं क्या? इनइक्वालिटीज आपको रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि आपके पास अवेलेबल सोर्सेज के अंदर रहकर आपने कोई काम करना है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने घर में घर को चलाना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक वेरिएबल है कि हमारे जो डेली लाइफ के एक्सपेंसेस हैं, ग्रोसरी है और किचन वगैरह है, स्कूल की फीसेस वगैरह हैं, तो ये सारा कुछ उनको अगर वेरिएबल्स की फॉर्म में लिया जाए। फॉर एग्जांपल, किसी शख्स की इनकम है 10 यूनिट्स, वो 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 लाख कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो क्या करेगा? वो कहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, उसके जो भी काम है। इसमें हमारे पास किचन का भी हो सकता है सामान, उसके बाद यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं, अदर चार्जेस में हम क्या कह सकते हैं, बच्चों की फीसिस वगैरह हैं, होम रेंट हो सकता है। तो ये 3 वेरिएबल हैं। अगर उसके पास 10 यूनिट उसकी पे है तो वो क्या कहेगा? उसके लिए इनइक्वालिटी होगी लेस देन आर इक्वल टू 10। और इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रीज में जाएं, फॉर एग्जांपल एक कॉटन की इंडस्ट्री है जो क्या करती है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पैंट्स और शर्ट्स बनाती है, तो वो क्या करेगी? जो एक्स प्लस वाई, एक्स पेंट के लिए, वाई क्या है, शर्ट के लिए, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो कहते हैं जो उनकी इनपुट है कॉस्ट वो लेस में हो, कम से कम हो। और अगर वो इसी का प्रॉफिट लेंगे, एक्स प्लस वाई का प्रॉफिट, वो कहेंगे इस कंडीशन में प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मांगते हैं और जो इनपुट होती है वो कहते हैं वो कम से कम हो, रिड्यूस करो।
तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये हमें एमफिल में भी हमने इसको स्टडी किया था, तो उसमें ये एक सॉफ्टवेयर होता है टोरा का, तो उसके ऊपर ऐसे सॉल्यूशन निकाले जाते हैं कि जिससे हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो और जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो बाकी इसमें लीनियर इनइक्वालिटी वही डेफिनेशन है जो आपने उसमें पढ़ी थी छोटी क्लासेस में, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की, वन होगी। एंड इनइक्वालिटी इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज वन कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। अब आपकी बुक में दो टाइप्स की लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा y प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो या कुछ भी हो सकता है, x प्लस टू इज लेस देन जीरो। तो ये सिंगल सिंगल वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी है। उसके बाद आती है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, उसमें क्या होगा, ये पार्ट टाइप वन होगी, टाइप टू होगी। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, उसमें होंगे x प्लस वाई लेस देन टू कर लो, कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे उसे हम कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, और जिसमें सिंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल्स। और ये जितनी भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी, चाहे वो सिंगल वेरिएबल वाली है या डबल वेरिएबल है, उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसके बाद है एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, एसोसिएटेड इक्वेशन या फिर क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। आपके पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी है, आप उसका इनइक्वालिटी सिंबल चेंज कर दें, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी था फॉर एग्जांपल, आप इस इनइक्वालिटी सिंबल को इक्वल में चेंज कर दें तो ये बन जाता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। बस यही इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। और जो इसका ग्राफ होगा वो आपने डॉट 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 डैश 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 कंप्लीट लाइन नहीं बनानी, और जो होगी क्या कहते हैं वीक या नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, उसका ग्राफ होगा एक बोर्ड लाइन, सॉलिड लाइन होगी कंप्लीट, उसमें कहीं पे गैप नहीं होगा। तो अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं, बाकी आप इसका प्रोसीजर पढ़ें। और इसमें वही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, और ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल्स की, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो आप लिखोगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है ordered pair that satisfies the given inequality is called solution of that linear inequality। उसके बाद आपने इसके solution graph का उसमें procedure बताया हुआ है आपको, आपने इसको study करना है, example भी है इसमें। उसके बाद आपको graph draw करना सिखाते हैं और solution region लेना सिखाते हैं। तो सबसे question number one में है, सिर्फ आपने इनके ग्राफ ड्रा करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन में आपने करना है पार्ट वन, पार्ट थ्री और पार्ट फाइव। तो पार्ट फाइव नहीं, सॉरी पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज है जी 5.1। तो क्वेश्चन नंबर वन में आपने पार्ट वन थ्री और फाइव क्लास वर्क और होमवर्क में है, तो हम इसका पार्ट फोर करते हैं, फिर उसके बाद मजीद डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन 5x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 5x
माइनस फोर वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 20। फिर उसके बाद अब आपने जब भी एक लीनियर इक्वेशन को मतलब लीनियर इनक्वालिटी को ड्रा करना है ना टू वेरिएबल वाली, तो उसके लिए कितने पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं? दो पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लें इसके, वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या आती है यहाँ से माइनस फाइव, तो पॉइंट आया जीरो माइनस फाइव। इसी तरह वैन वाई इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी फोर, और ये पॉइंट हमारे पास आता है फोर और ज़ीरो। अब आपने इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लेना दोनों पॉइंट्स को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करें। पहला पॉइंट है जीरो माइनस फाइव, जीरो माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो ये वो पॉइंट है जीरो माइनस फाइव। उसके बाद है जी फोर और ज़ीरो, फोर एक्स एक्सिस पे आएगा पॉजिटिव है वन टू थ्री फोर, ये फोर और ज़ीरो है। अब आपने जब ये पॉइंट्स ग्राफ पे ड्रा करने हैं तो स्केल से इनको ज्वाइन करना है बस। ये वो लाइन है, इसी के साथ आप इसकी इक्वेशन लिख दें चाहे नीचे या ऊपर जहाँ मर्जी, फाइव एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू 20। तो क्वेश्चन नंबर वन में सिर्फ यही है कि आपने इसको लाइन ड्रा करनी है, लाइन ड्रा करने के लिए दो पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसी ही लीनियर इनइक्वालिटीज देगा और उसके बाद वो आपको कहेगा इसको शेड भी करना है। अब देखें जितनी भी हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आएंगी ना वो प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगी। अब ये वाली जो लाइन है, मैं इससे पहले एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेता हूँ, केस वन और केस टू दो टाइप्स की आपने लाइंस और देखनी है, एक है एक्स इज इक्वल टू सी और एक है वाई इज इक्वल टू सी, मतलब किसी भी नंबर के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू टू आ जाए तो इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा वर्टिकल लाइन वन टू, ये एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ है। और इसी तरह अगर वाई इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू भी हम टू ही ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ देखें आप कैसा आएगा, ये वन टू, ये वाई इज इक्वल टू टू है। तो जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू सी होगा किसी भी इक्वेशन में, सिर्फ अकेला एक्स वेरिएबल होगा, तो उसका ग्राफ होगा वर्टिकल लाइन जो कि पैरेलल है पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जब वाई इज इक्वल टू सी होगा तो तब उसका ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि क्या होता है, ये पैरेलल की सिंबल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसे। और तीसरा है नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल। अब देखें सबसे पहले ये केस था कि जब हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की तो इसने प्लेन के दो हिस्से किए, एक इसकी राइट साइड पे और एक इसकी लेफ्ट साइड पे, तो हम इसे कहते हैं राइट हाफ प्लेन और इसको हम कहेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। इसी तरह ये वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू टू का जब आपने ग्राफ ड्रा किया तो इससे ऊपर है आधा हिस्सा और एक हिस्से नीचे है, तो इसे हम ऊपर वाले को कहते हैं अपर हाफ प्लेन और नीचे वाले को हम कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। और ये जो है ये जो लाइन है ये नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल, तो इससे ऊपर भी हाफ प्लेन है इससे नीचे भी हाफ प्लेन है। अब है इसको शेड करने का मामला, ये तो आपको ग्राफ समझ आ गया, मैं इसे रेस करता हूँ। तो इसमें क्या है अगर मैं इसी को ऐसे कर दूँ एक्स इज ग्रेटर देन टू तो फिर क्या होगा, फिर तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। पहला तो इसका आप ग्राफ ड्रा करोगे एक्स इज इक्वल टू टू का, फिर अगर मैं आपको कहता हूँ एक्स इज टू एक्स ग्रेटर देन टू को आप शेड करो ग्रेटर देन आर इक्वल टू,
तो फिर क्या करोगे, फिर ये वाला टू से ग्रेटर एक्स कहाँ पे होता है, राइट साइड पे। तो ये जो सारा पोर्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, टू भी शामिल है इसमें। और अगर ग्रेटर देन टू कर दोगे तो फिर ये लाइंस इंक्लूड नहीं है, लाइन से आगे आगे होंगे। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये देखें कितने पॉइंट्स। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y is less than 2, y से छोटे, तो आपने y is equal to 2 का ग्राफ ड्रा किया, फिर उसके बाद अगर आपको शेड करना पड़ जाता है तो कौन सा रीजन होगा, y less than 2 वाला, ये रीजन है इसका। ये तो क्वेश्चन से आपको पता लग जाता है। जब ऐसी इक्वेशंस आएंगी इनको शेड करना होगा तो फिर आपने क्या लेना है, फिर आपने इसके लिए लेना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हम लेंगे 0 0, इसे हम ओरिजिनल में पुट करेंगे, एक्स की जगह पर 0 और वाई की जगह पर भी 0। तो 0 इज लेस देन 20, तो ये बात ठीक है, जब ट्रू है तो फिर उस लाइन का जो आंसर होगा या सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब देखें जब इसमें 0 इज लेस देन 20 आ रहा है तो ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ये है, ये सारा इसका सॉल्यूशन रीजन, तो ये सारा शेडेड होगा। और अगर मैं इसी को चेंज करता हूँ कंडीशन को, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जब मैं इसमें टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करूँगा तो 0 क्या आएगा, ग्रेटर देन 20, तो ये फॉल्स होगा। जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा। तो ओरिजिन इससे ऊपर की तरफ है, जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर हम इसे नीचे की तरफ इसका सॉल्यूशन। तो ये आपकी बुक में शेड भी किया हुआ है। अभी आप इतना करें, इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम मजीद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।